When you are doing smooch, nothing will get into your mouth hair. Beard wise, they look hot. दोस्तों हमें लगता है कि लड़कियों को बियर्ड वाले लड़के ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो हम इस चक्कर में अपनी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं। फिर हमें लगता है कि लड़कियों को क्लीन शेवन बॉयज़ ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो हम अपनी दाढ़ी हटा देते हैं। हम बस लड़कियों को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपनी दाढ़ी उगाते हटाते रहते हैं, बट हमें पता ही नहीं है कि आखिर लड़कियों को पसंद है क्या। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एक परफेक्ट बियर्ड कैसे उगा सकते हो और एक अच्छा क्लीन शेवन लुक कैसे रख सकते हो। पर अभी नहीं, पहले जान तो लेते हैं कि लड़कियों को आखिर पसंद है क्या। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ दिल्ली की सड़कों पर जानने के लिए कि आखिर लड़कियों को क्या पसंद है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं मेनस्वैग। अब फटाफट से ये सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो और ये घंटा आइकन भी दबा दो, क्योंकि अगर घंटा आइकन नहीं दबाया तो नोटिफिकेशन घंटा नहीं आएगा। तो पहला सवाल, इन विच लुक अ गाय लुक्स बेटर, क्लीन शेवन और बियर्ड? बियर्ड बियर्ड मे बी बियर्ड थिंक बियर्ड बियर्ड ऑफ कोर्स। व्हाई बियर्ड? बिकॉज थोड़ा मिची और लगता है, मैनली लुक आता है, अच्छा लगता है देख के, फीलिंग्स आती है। A man looks much more put together. और it's a saying कि जो बंदा beard उगा सकता है, that means he has patience. तो आपकी beard इसलिए beard? Okay. Okay. लोगों को ये लगता है कि means वो beard के साथ अच्छा लगता है, बिना beard के ना मम्मी के लाल लगते हैं। जो clean shaved है वो cute लगता है। और जो beard? Beard वाले ते लोग hot, hot, hot. अब ये कोरियन आर्टिस्ट की बात है तो बात अलग है, बाकी तो नहीं। अच्छा ठीक है, मैं आपको ना कुछ सिचुएशन देता हूँ, आपको बताना है कि किस सिचुएशन में कौन सा बंदा सूट करेगा, क्लीन शेवन और बियर्ड। ठीक है, बियर्ड। दिस इज बियर्ड। बियर्ड। ओके। बियर्ड। बियर्ड। कोई भी? बियर्ड। या बियर्ड। 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 मैरिड मैन भी दोनों चलेगा उस पर? दोनों चलेगा। जैसे उसे अच्छा लगे, उसकी वाइफ को अच्छा लगे। अच्छा। How can I suggest? Okay. A little trim like yours. Yeah. Beard. I have mine. Okay. Sorry, नहीं पता मेरे को। Something में। Clean. Beard. Beard. First date पे just ट्रिम वाली बियर्ड, छोटी छोटी, नॉट कि पूरा ही एकदम ही जंगली वाला। अच्छा। हाँ छोटी छोटी। बहुत मुश्किल है, मैं ट्राई कर चुकी हूँ, कोई कन्विंस नहीं होता। और बात मेरे दोस्त के, मैं तो जला दूंगा। means if we are doing smooth, so your hairs are coming into my mouth, so it is really messy, so please cut it. तुम्हें मैं only kiss दूंगी, वरना smooth नहीं मिलेगी, हटाएंगे। हाँ धमकी दूंगी, ये करो वरना, हाँ ये करो वरना छोड़ूंगी। ऑल राइट, तो लड़कियों को बियर्ड वाले लड़के ज्यादा पसंद हैं। यार आखिर पता चली गया कि मैं आज तक सिंगल क्यों हूँ। अब भाइयों मेरा जो हुआ सो हुआ, पर आपका घर जरूर बसेगा, और इसलिए मैंने की है बहुत सारी रिसर्च दाढ़ी उगाने के बारे में। बियर्ड 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 बियर्ड। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए। तो यार अच्छी बियर्ड लाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है पेशेंस। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो यार आप कभी अच्छी बियर्ड ला ही नहीं सकते। यार अगर आप बार बार ट्रिम या शेव करते रहोगे तो बियर्ड कभी आएगी नहीं, आप बस उसको आने दो जैसी भी आ रही है। और आपको जब लगता है कि एक अच्छी लेंथ आपकी दाढ़ी की बन गई है, तब आप उसको शेप दे सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि यार आपकी दाढ़ी जो है वो डेंस नहीं है, तो इस केस में आपको अपनी डाइट में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना है। आपको ऐसी चीज़ें खानी हैं जिनमें बायोटिन, मल्टीविटामिन और उसके अलावा ओमेगा 3 जैसी चीज़ें हों। और इसके अलावा एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, वो है यूकेलिप्टस। यार आप कोई ऐसा मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो जिसमें यूकेलिप्टस ऑयल हो, क्योंकि वो बियर्ड की ग्रोथ में हेल्प करता है। और ये कितना सच है कितना झूठ है मैं नहीं बता सकता आपको, बट मैंने ऐसा पढ़ा है कि हेल्प करता है, बट आप इसको ट्राई ज़रूर कर सकते हो। तो यार ये तो थी कुछ चीज़ें जो आपको हेल्प करेंगी आपकी बियर्ड की ग्रोथ में। जाने से पहले मैं आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को तो कहूँगा ही, पर अगर वीडियो देख के मज़ा आओ तो एक कॉमेंट ज़रूर करना। और हाँ याद रहे, बकवास करने वालों को गंदा स्टाइल देगा कूल, बाकी मेरे भाइयों को मैं सैलूट।